हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ राजनीति शास्त्र के बारे में, जो कि यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि सरकारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और यूपी ट्रिपल एससी से लेकर सेंट्रल लेवल तक यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाने की संभावना रहती है एग्जाम्स में। तो यहाँ पर मैंने सिंगल लाइन क्वेश्चंस बना कर रखा हुआ है, और इस एक सीरियल नंबर से मैं यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैंने पिछले अध्याय में 6 अध्याय मैंने पढ़ा चुका हूँ, आज 7वां अध्याय लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में। ये पिछले अध्याय में देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होता है, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। आज यहाँ पढ़ाने वाला हूँ भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये पीछे आप लोगों को जानते ही होंगे, और इसी कारण उसका वेतन भी दिया जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हो जाती है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के जो पदेन सभापति होता है, और उसे इसी कारण से, क्योंकि वो पदेन सभापति होता है इसीलिए उसे वेतन भी दिया जाता है। इसके बाद देखिए अगला जो है क्वेश्चंस वो है, राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर बना रहता है उसे किसी न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर बना रहता है उसे किसी न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद है, भारत के 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद की अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर पूछा जाता है एग्जाम्स में कि कौन से ऐसे 2 राष्ट्रपति हैं जो कि कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई थी। तो उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं फखरुद्दीन अली अहमद। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कृष्णकांत देश पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले पहले उपराष्ट्रपति थे, और यहाँ पर पद पर मरने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ये 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कि पद पर रहने के बाद ही प्रधानमंत्री के पद पर रहने पर रहते ही मर गए थे। और इसके बाद देखिए, संसद केंद्र सरकार के लिए कानून बनाने वाला अंग है, और संसद का गठन अनुच्छेद 79 जो कि भारत के लिए एक संसद होगी और जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी जिसका नाम राज्यसभा एवं लोकसभा होगा। ये अनुच्छेद 79 में दिया गया है कि भारत के लिए एक संसद होगी जिसमें 2 सदन होगी जिसका नाम होगा राज्यसभा एवं लोकसभा। इसके बाद है, संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कानून बनाना, और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि कार्यपालिका को नियंत्रित करना। ये दोनों संसद का महत्वपूर्ण कार्य है। और इसके बाद है, करों में वृद्धि करने का एकमात्र अधिकार संसद को है, जो कि जो भी टैक्सेस होती है उसमें वृद्धि किया जाता है, जो कि जिसका अधिकार है संसद के द्वारा ही किया जाता है। और इसके बाद है, राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी तथा राज्यसभा का गठन जो हुआ है वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। और ये 2 प्रकार के सदस्यों से गठित होते हैं, और निर्वाचित सदस्य तथा मनोनीत सदस्य होते हैं, और ये सभी 6 वर्षों के लिए सदस्य होते हैं तथा प्रत्येक 2 वर्षों की समाप्ति पर इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है जो वो है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है, और वर्तमान में यह संख्या 245 है, और जिनमें 230 राज्यों और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है, जो कि राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए 30 वर्ष की उम्र सीमा निर्धारित की गई है। और इसके बाद है जो वो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राज्यसभा के सदस्य के लिए जरूरी है कि उसका नाम उस राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र की सूची में ना हो जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता हो। यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप जिस भी राज्यसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपका उस राज्य से में आपके निर्वाचन वहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र में आपका नाम न हो तभी आप राज्यसभा के सदस्य के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधायकों के द्वारा किया जाता है,
विधायकों के द्वारा किया जाता है, और इसके बाद है मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और इसके बाद देखिए है धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार होता है, और जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है, और राज्यसभा इसे अपने पास सिर्फ 14 दिन तक रोक सकता है, और इसके बाद यह स्वतः स्वीकार कर लिया जाता है, और राज्यसभा ने इस विधेयक को पास कर दिया है। और इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो राष्ट्रपति एक साल में दो बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछे गए हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो ये अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग पहली बार आए हैं इस चैनल पर, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। यहाँ देखिए जब कोई राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य का बजट संसद पारित करता है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य का बजट संसद पारित करता है। और इसके बाद है सर्वप्रथम राज्यसभा के सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और इसके बाद है लोकसभा को सर्वप्रथम राज्यसभा के सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और इसके बाद है लोकसभा को निम्न सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जो वो है लोकसभा सदस्यों की संख्या संविधान में 550 निश्चित की गई है, जो अधिनियम अधिकतम 552 हो सकती है, और इसमें से अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्र से निर्वाचित किए जा सकते हैं, और 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। इसके बाद है वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है, और इन सदस्यों में 530 सदस्य 29 राज्यों से और 13 सदस्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित और दो मनोनीत किए जाते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता 25 वर्ष होती है, और यह तथा कार्यकाल लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इस तरह से आज का सारा क्वेश्चन समाप्त हुआ, और अगर जो लोग पहली बार ये इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और साथ ही साथ लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे वीडियो को प्रमोट मिलता है, और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। मिलते हैं कल अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।